राजनांदगांव में खैरागढ़ सीईओ के रवैये से नाराज कांग्रेस ने जनपद पंचायत के कार्यालय में ताला जड़ दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते हुए कार्यालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एसडीएम निष्ठा पांडे ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता भिकम चंद छाजेड़ ने कहा कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अगर सीईओ जनहित के कार्य और जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान ना करें। वहीं सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश सिंह ने सीईओ का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों में आपसी समन्वय नहीं है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, वो लगातार अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों का कहा नहीं मानते। वो मीटिंग के संबंध में अभी तत्काल में कल मीटिंग था जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मुख्य कार्य अधिकारी टुप्पो जी से बोले थे कि हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे और इस मीटिंग को आगे बढ़ा दीजिए करके, लेकिन उनके बात को न रखते हुए उन्होंने विपक्षी जनपद सदस्यों को लेकर मीटिंग आहूत कर दिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है जिसको सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए उसको एक तरफा पारित कर दिए हैं। इससे नाराज होकर पूरे कांग्रेस के जनपद सदस्य यहाँ आए हैं, उनके सहयोग हम लोग संगठन के लोग आए हैं प्रमुख लोग, और भविष्य में ऐसी रवैया रहेंगे तो हम लोग ऊपर रायपुर तक जाके मंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। इसलिए धरना दिया जा रहा है कि आज जब से हमारी सत्ता आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, तब से यहाँ जनपद सीईओ का जो दादागिरी है वो लगातार इनका मनमानी चल रहा है। कोई भी काम बताओ, कोई भी जनहित का काम है जो जनहित का मुद्दा है उसके लिए इन्होंने कभी भी सपोर्ट जनप्रतिनिधि को, हमारे जिला पंचायत जनपद पंचायत के सदस्य हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इनको कभी भी मान सम्मान दिया ही नहीं। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि सीईओ मैडम को ये चेतावनी देना था हमको कि मान सम्मान के लिए आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मान सम्मान करना होगा और जनहित के कार्यों में आपको प्रति ध्यान देना होगा, इसलिए ये आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत ही कमजोर है और यहाँ के जो जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बहुत ही कमजोर है और गौर खरीद की राशि को मात्र एक दो पंचायत में बांटना चाहते थे और ये नियम के आधार पे जो 6 किलोमीटर के दायरे हैं वहाँ सभी पंचायतों की लाभ मिलने चाहिए, ये लोग लाभ देना नहीं चाहते थे, इसीलिए कल की बैठक में लोग उपस्थित नहीं हुए। पंचायत राज अधिनियम के संबंध में जो धाराएं जो हैं, कल की जो जनपद में बैठक हुई है वो बैठक सच में बैठक ठीक है ना मैडम, सीओ मैडम की किसी प्रकार की गलती नहीं है, अधिनियम के अंतर्गत ही बैठक किया गया है और सभी सदस्यों के द्वारा एक पदेन अध्यक्ष की चुनाव किया गया है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, वो लगातार अध्यक्ष उपाध्यक्ष